आज हम बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार यामिनी राय के कृतित्व व व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस समय बंगाल में हर कलाकार टैगोर के नक्शे कदम पर चलने में गौरव का अनुभव करता था, उस समय टैगोर कलम की चमक से अनजान अपनी स्वतंत्र मेघा के बल पर चित्रकला का एक नया आयाम यामिनी राय ने स्थापित किया। ऐसे मौलिक मूर्धन्य चित्रकार का जन्म 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में हुआ। लोक रंगों व रेखाओं की गति तथा ग्रामीण सादगी उनके शरीर के रग रग में बसी हुई थी। यामिनी राय बंगाल स्कूल के सुप्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। उनको प्रारंभ से ही कला में रुचि थी। वे अत्यंत उदार मन के और भारतीय कला की आत्मा को पहचानने वाले थे। प्रारंभ में उनकी कला शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की अंग्रेजी पद्धति में हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय कला सिखाई जाने लगी, उन्होंने भारतीय कला को समझने का सफल प्रयास किया। यामिनी राय की शैली में स्वतंत्र प्रतिभा थी, जिससे उनके चित्रों से एक नया मार्ग बनने लगता है। उनके चित्रों का प्रमुख आधार भारतीय लोक कला शैली का विस्तृत अध्ययन था। यामिनी राय ने लोक शैली से प्रेरित होकर उन्हीं की पद्धति से, उन्हीं की साधन से भारतीय विषयों के चित्र बनाए। उन्होंने लोक शैली को आधार मानते हुए उसे रूपांतरित किया। बंगाल स्कूल में, जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपियन शैली का प्रभाव भी था, किंतु यामिनी राय ने कुछ यूरोपियन शैली के तैल चित्र बनाए, किंतु उनके चित्र पूर्णतया भारतीय हो गए। उनके चित्र टेम्परा जल रंगों के हैं, जबकि बंगाल स्कूल में उस समय वॉश पद्धति के चित्र बनते थे। बंगाल में वॉश पद्धति पारदर्शक रंगों का प्रयोग अधिक होता था। यामिनी राय ने इससे अलग अपारदर्शी रंगों को बहुत सरल आकारों के साथ काम में लिया। उनके चित्र प्रयोगात्मक, नवीन और आधुनिक भारतीय शैली के अंतर्गत रखे जाते हैं। उनकी विशेषताओं के कारण कुछ लोग उन्हें भारत का पिकासो कहते हैं। इस प्रकार भारत के प्रयोगों का मार्ग खुल गया था। लोक कला पर आधारित होने से उनके चित्र सरल, स्पष्ट और भोलापन लिए हुए हैं। उनके चित्रों में बड़े बड़े आकार, मोटी व सशक्त रेखाएं हैं। उनके चित्रों में बौद्धित्व का उलझाव नहीं है। यद्यपि हल्के रंग ग्रे हो जाते हैं, किंतु अधिकतर चित्रों में विशुद्ध रंगों का ही प्रयोग है, जो लोक कला की प्रमुख विशेषता है। यामिनी राय के चित्रों में रेखाएं बीच में मोटी व अंत में पतली हो जाती हैं, जो अत्यंत ही गतिशील दिखाई देती हैं। उनके चित्रों में संयोजन लघु चित्रों जैसे हैं, किंतु कहीं पैनल के चित्र भी दिखाई देते हैं। यामिनी राय के चित्रों में के विषय पौराणिक, धार्मिक, सामान्य जीवन और साहित्यिक हैं। उनके चित्रों में एक प्रकार की स्वाभाविकता है और नकलीपन का सर्वथा अभाव है। विदेशों में भी इनके चित्र बहुत पसंद किए गए। लंदन व न्यूयॉर्क में उनके चित्रों के बारे में लिखा गया।
भारत में आधुनिक कला के दो प्रमुख मार्ग अमृता शेरगिल और यामिनी राय ने खोले। उनके चित्रों की प्रदर्शनी विदेशों में भी लगाई गई तथा बंगाल के पटवा चित्र और कालीघाट चित्रों से मिलते जुलते हैं। यामिनी राय का अपने चित्रों के बारे में लिखा है कि मैं बाल सुलभ कला से प्रेरित हूँ। उनके चित्रों में सरलता के साथ साथ कुछ अलंकरण भी हैं। यामिनी राय का सरल स्वभाव, धार्मिक रुचि और बाल सुलभ विशेषताएं उनके व्यक्तित्व व कृतित्व से पूरी सच्चाई के साथ उभरी हैं।